निशाने पर रहे महाराज का सरकार बनने की सूरत में कहीं भी अता पता नजर नहीं आ रहे हैं। ज्ञात है कि भाजपा ने अपने चुनावी अभियान के तहत गुना सांसद और चुनाव अभियान समिति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट बनाया था। भाजपा की चुनावी टैगलाइन रही माफ करो सरकार, अब नेता शिवराज। अब शिवराज तो सरकार क्षेत्र से ही गायब है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही लगता है कांग्रेस ने भी महाराज से माफी मांग ली है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि शुक्रवार को जब कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निवास पर पहुंचे तो वहां कांग्रेस के लगभग सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। एक नेता थे तो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया। कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें इसलिए भी अनदेखा किया जा रहा है क्योंकि वे कमलनाथ के लिए लगता चुनौती बनी रहे, जबकि विश्व सूत्र बताते हैं कि सिंधिया ने सरकार का मार्ग प्रशस्त कर खुद को किनारे से लगा लिया है। कर्नाटक के चामराजनगर में कथित तौर पर प्रसाद खाने की वजह से 11 लोगों की मौत और कई लोग की हालत गंभीर होने की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद प्रशासन आनन-फानन में पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुट गया है। कर्नाटक के चामराजनगर में प्रसाद खाने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। 80 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं 12 लोगों की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख। सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश। प्रसाद खाने से लोगों की मौत की सूचना से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। कर्नाटक के चामराजनगर में प्रसाद खाने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 लोगों का आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, इस घटना में 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि चामराजनगर SP धर्मेंद्र कुमार मीणा ने इस खबर की पुष्टि की है। इसी के साथ मुख्य सचिव और कमिश्नर ने मांड्या एवं मैसूर के DHO को निर्देश दिया है कि वे चामराजनगर में स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक चीजें मुहैया कराएं। प्रसाद खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने और 12 लोगों की मौत की घटना सुनने के बाद आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है। एक्शन में आए मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने इस घटना पर कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्य घटना है जो कि कामगेरे गांव में घटित हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर ने मंडिया और मैसूर में DHO को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित अधिकारी 108 कॉल सेंटर और एम्बुलेंस सेवा का प्रबंध कर रहे हैं। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिला। लगभग 30 साल पहले कांग्रेस के नेता माधव राव सिंधिया प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। वही इस बार उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऐसा ही हुआ और वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। January 1979 में चुरहट लॉटरी कांड के चलते अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन राजीव गांधी की इच्छा के बावजूद सिंह के अलाकमान पर दबाव के चलते माधवराव सिंधिया तब मुख्यमंत्री नहीं बन सके थे। सिंह समर्थन हरवंश सिंह के भोपाल बंगले में सिंह के समर्थक विधायकों का डेरा इसलिए डरा रहा कि कांग्रेस के पर्यवेक्षकों को यह संदेश दिया जा सके कि विधायकों का बहुमत अर्जुन सिंह के साथ है। माधवराव सिंधिया पूरे भरोसे में थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और वे दिल्ली से उड़ान से भोपाल आ गए और 2 दिन तक भोपाल में ही रुके रहे, लेकिन अर्जुन सिंह के दबाव के कारण सिंधिया के स्थान पर मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस घटना के 29 साल बाद माधव राव के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और 72 वर्षीय कमलनाथ देश के मध्य में स्थित सूबे में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता संभालने जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सिंधिया ने कांग्रेस अलाकमान को ध्यान दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का नारा माफ करो महाराज, अपने तो शिवराज, उनको सिंधिया निशाने पर रखकर ही दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार के सांसद नाथ को वरिष्ठता अनुभव और अधिक विधायकों के समर्थन के आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आजादी के पहले देश के मध्य भाग ग्वालियर के शाही मराठा सिंधिया राजघराने के वंशज हैं और उनकी दादी दिवंगत राजमाता सिंधिया जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थी। माधवराव सिंधिया भी अपनी माता के बाद 1971 में जनसंघ में शामिल हो गए थे और वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा लहर के बावजूद मां और पुत्र दोनों अपनी अपनी सीटों पर विजय हुए।
वर्ष 1980 में माधवराव सिंधिया इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान उनकी मां को जेल में बंद रखा था। माधवराव की बहनें वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे अपनी मां के पदचिन्हों पर चलते हुए बाद में भाजपा में शामिल हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में 17 दिसंबर को शपथ लेने जा रहे हैं। बुलंदशहर हिंसा मामले में पुलिस ने फरार 18 आरोपियों की तस्वीर जारी की है। पुलिस ने इनकी चल रही संपत्ति भी जब्त कर ली है। इससे पहले पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। एसएसपी ने बताया था कि इस घटना के मुख्य आरोपी बताए गए योगेश राज और बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष समेत 76, वही पुलिस ने हिंसा में शामिल रहे दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस अब तक 11 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। पकड़े गए आरोपी गाँव चिंगरावटी के मोहित और नितिन है। पुलिस इनसे पहले गांव महाव के चंद्रपाल जितेंद्र उर्फ जीतू फौजी, गांव बरोली के रोहित राघव जैन, नयाबास के सोनू देवेंद्र चमन, गांव थल इनायतपुर के कुलदीप त्यागी, बुगरासी के आशीष चौहान, गांव चिरंगावटी के जितेंद्र उर्फ लाला गुर्जर, मोहित और नितिन को जेल भेज चुकी है। इससे पहले अदालत ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोपी जीतू फौजी को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था। आरोपी जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू फौजी ने खुद को निर्दोष करार देते हुए कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस आशय का पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रेरित किया है। प्रदेश में विगत 6 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही लागू हो गई थी। निर्वाचन के बाद प्रदेश में निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, इसलिए आयोग ने आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है। बता दें कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीट में से कांग्रेस ने 68 पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बना ली है। वहीं बीजेपी मात्र 15 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी 7 सीट पर ही जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 2 सरकारी कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। दरअसल बीते 17 नवंबर को धमतरी के मिशन ग्राउंड पर भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सभा को संबोधित किया था। इस दौरान सभा स्थल पर शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी लक्ष्मण राव मगर और चंद्र कुमार चंद्राकर भी शामिल हुए थे, जबकि इन दोनों की ड्यूटी निर्वाचन शाखा में लगाई गई थी। सभा में ये दोनों आगे की लाइन में बैठे हुए थे, जो आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। लिहाजा निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत फोटो और वीडियो प्रमाणों के साथ की गई थी। इसकी जांच जिला निर्वाचन ने पुलिस और राय निर्वाचन आयोग को उचित कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन भेज दिया है। संभव है कि जल्द ही इन दोनों अधिकारियों पर कानून और विभागीय कार्यवाही के आदेश जारी हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का सिल्वर जुबली मनाने जा रही है, इसके लिए राजधानी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार ने कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आमंत्रित किया था। कथित तौर पर आडवाणी ने ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया था, जिस पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई थी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का गठन पहली 17 मार्च 1952 को किया गया था। ये एक सदनीय विधायी निकाय है। दिल्ली विधानसभा 70 सदस्यीय है। विधानसभा 5 साल की अवधि के लिए चुनी जाती है। साल 2013 में आप पार्टी ने इसकी 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। दिल्ली विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर साल 1993 को हुई थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया था और बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार की ओर से सिल्वर जुबली मनाए जाने का कांग्रेस विरोध करेगी। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस आशय की जानकारी दी। 5 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। यदि आप भी दिसंबर माह के अंत में कोई बैंकिंग कार्य करने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से अपने शेड्यूल को जांच लें, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद आपको कोई भी बैंकिंग कार्य करने में परेशानी का सामना कर
सप्ताह पड़ सकता है। 26 दिसंबर तक बैंकिंग सेवाएं बाधित रहने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक बैंक संघ ने पहले ही 26 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर बैंक हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके बाद अब एक और बैंक अधिकारियों के संघ ने 21 दिसंबर को बैंक हड़ताल की घोषणा कर दी। बैंक के इन दो दिनों के हड़ताल के कारण 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच केवल एक ही दिन 24 दिसंबर को बैंक खुलेगा। 22 दिसंबर को माह के चौथे शनिवार, 23 को रविवार और 25 को क्रिसमस के कारण पहले से ही अवकाश है। बैंक यूनियन ने तीन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक के सम्मेलन के विरोध में पहले ही हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके बाद ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन AIBOC ने 21 दिसंबर को 11वें द्विपक्षीय समझौते में वेतन संशोधन की मांग, साप्ताहिक 5 दिन का बैंक कार्यकाल समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी है। इस कारण यदि त्योहारों और नए साल के लिए आपको बैंकिंग कार्य करना है तो उसको 20 दिसंबर के पहले निपटा लें, क्योंकि 3 दिन के अवकाश के बाद केवल एक दिन खुलने के कारण 24 दिसंबर को भी बैंकों में लंबी भीड़ होने की संभावना है। भारत के दो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना और पारुपल्ली कश्यप शुक्रवार को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। साइना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके अपनी शादी की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर साइना नेहवाल और पी कश्यप को शादी की बधाई देने के लिए तांता लग गया है। इस दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने ट्विटर हैंडल से साइना कश्यप को बधाई दी, लेकिन वह एक बड़ी गलती कर बैठे और बाद में उन्हें वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। दरअसल सचिन ने साइना और कश्यप को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें सचिन ने एक बड़ी गलती हो गई, उन्होंने साइना नेहवाल के साथ पारुपल्ली कश्यप की जगह किंदाबी श्रीकांत की तस्वीर साझा करते हुए शादी की बधाई दे डाली। फिर क्या था, लोगों ने सचिन की इस गलती पर मजाक करना शुरू कर दिया, लेकिन सचिन ने जल्द ही अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया। एक ही कार्ड से होगा देश के सारे मेट्रो का सफर, जल्द होगी वन नेशन वन कार्ड की घोषणा। आने वाले समय में देश के किसी भी मेट्रो में सफर करने के लिए अलग कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार वन नेशन वन कार्ड को लेकर काम कर रही है। लॉन्च होने पर देश के किसी भी मेट्रो से इससे सफर किया जा सकेगा। इसके साथ ही मेट्रो की तकनीक में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी केंद्र सरकार जोर दे रही है। ये कहना है केंद्रीय मेट्रो भवन में आयोजित सेमिनार में दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था। इसके बाद से देश भर में मेट्रो का लगातार विस्तार हो रहा है। 8 किलोमीटर से शुरू हुए ये सफर अब भारत में 540 किलोमीटर का हो गया है। वहीं 670 किलोमीटर मेट्रो बनाने का काम देश में चल रहा है। इसमें से 125 किलोमीटर नेटवर्क आगामी मार्च माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि सैटेलाइट शहरों को रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने को लेकर काम चल रहा है। इसके शुरू होने से दिल्ली से मेरठ के बीच की लगभग 100 किलोमीटर की दूरी को केवल 60 से 70 मिनट में तय किया जा सकेगा, वो भी इसके रास्ते में पड़ने वाले सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को चढ़ाने एवं उतारने के साथ। इसी तरह पानीपत तक 100 किलोमीटर की दूरी को भी इसके जरिए महज 60 से 70 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ये एक नए भारत का निर्माण होगा, जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।